एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेबी फॉरेंसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं और ये आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी एलिजिबल होंगे। अब ये जो वैकेंसीज हैं आपकी SSC सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू निकाली गई हैं और ये आपका SSC सिलेक्शन पोस्ट का फेज 11 है जो कि 2023 का आया हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज होने वाली हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, कैसे क्या है उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज जो है जिनके लिए आप एलिजिबल होने वाली हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो है फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट का है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए कब से फॉर्म आपका ओपन हुआ है, क्या लास्ट डेट है, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रहने वाली है 27th of March। यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि जो पेमेंट होना है वो पेमेंट आपका 28 मार्च के बाद में नहीं होगा, और जो आप लोग चालान के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो लास्ट डेट है वो 29th मार्च है। उसके अलावा अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम पे कुछ गलत हो गया है, उसको सही करना है, करेक्शन वगैरह करना है, तो करेक्शन करने के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 3rd अप्रैल से 5th अप्रैल यानी कि 2 दिन के लिए ओपन रहेगी विंडो। तो अगर कुछ करेक्शन करना है तो वहाँ से जाकर आप करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है बट एक अप्रॉक्सीमेशन दिया है जून या जुलाई में, तो जून जुलाई के आसपास आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉर्म 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है फिल होना और लास्ट डेट 27th मार्च है, तो उससे पहले आपको फॉर्म को फिल करना है। उसके अलावा एग्ज़ाम डेट जो है आपकी जून जुलाई में ही होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये जो वैकेंसीज हैं आपकी सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में है और जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है वहाँ पर, तो काफ़ी अलग अलग जगह पर आपकी ये वैकेंसीज होने वाली हैं। जो आप जो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं SC ST के, OBC के, फिजिकली हैंडीकैप, तो उनके सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया भी है, फीस भी सबकी अलग अलग, एज का क्राइटेरिया भी अलग अलग है, एज रिलैक्सेशन भी सब में अलग अलग दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस नोटिफिकेशन से आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो लिस्ट है, ये आपकी जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एज का, वो सारा कुछ है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इसको देख लेंगे। अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीस रहने वाली है 100 रुपीज़ है आपकी फ़ीस का पेमेंट आपको करना होगा। कैसे कैसे करना है वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन जो पोर्टल रहता है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जितने भी SC ST या फिर जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इन सभी लोगों को पेमेंट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दीज कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। तो बाकी के कैंडिडेट्स जो हैं उनको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, बाकी ये वाली जो कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको पेमेंट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन के सेंटर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो ये पूरी लिस्ट उन्होंने दे रखी है, अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे। बाकी जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर भी आपके सामने एक लिस्ट ओपन होकर आएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पर होने वाला है, तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। अब ये जो वैकेंसीज हैं आपकी जितने भी ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स हैं, जो हायर सेकेंडरी के कैंडिडेट्स हैं, मैट्रिकुलेशन के कैंडिडेट्स हैं, तो उन 3 कैटेगरी में अलग अलग करवाया जाएगा। अब आप इनमें से जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर कैटेगरी का एग्ज़ाम देना होगा। अब यहाँ पर है क्या कि अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी है, तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर है क्या, जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें आपने मोर देन 2 या 3 के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है। बट अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जैसे कुछ वैकेंसी आपकी हायर सेकेंडरी वाली हैं, कुछ वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन वाली हैं, तो जिस कैटेगरी में आप, जैसे ग्रेजुएशन वाली का एग्ज़ाम अलग होगा और जो हायर सेकेंडरी है उसका एग्ज़ाम अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी में आपका अलग अलग आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी दिया जाएगा, क्योंकि ये आपकी 2 अलग अलग कैटेगरी होगी। यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा गया है कि 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, जहाँ पर आपका पहला हो गया
मैट्रिकुलेशन, सेकेंड हो गया हायर सेकेंडरी और थर्ड हो गया ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल्स। तो यहाँ पर ये तीन कैटेगरी हो गई। अब ये तीन कैटेगरी के लिए आपकी अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम होगा तो इसका एडमिट कार्ड भी अलग अलग आएगा। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, तो आपको एग्ज़ाम एक ही बार देना है, ठीक है। बट अगर अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका अलग अलग दो एग्ज़ाम देने होंगे, दो या मतलब जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे तो उसका आपको अलग अलग एग्ज़ाम देना होगा। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो टेस्ट कैसे होगा, तो टेस्ट आपका बेसिकली एक घंटे का पेपर होता है, जहाँ पर जो रीजनिंग है जनरल इंटेलिजेंस है उसके 25 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांट्स जो रहती है जहाँ पर बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं उसके 25 क्वेश्चंस आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस आएंगे। और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा हर कैटेगरी में। तो ओवरऑल आपका जो पेपर हो जाएगा वो 200 मार्क्स का होगा। तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें आपको मार्क्स टू मार्क्स स्कोर करना होगा। उसके बाद में जो आपकी स्कोर रहेंगे उसके बेसिस पर कट ऑफ आएगी, और फिर उसकी जो लिस्ट रहती है वो तैयार करी जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही पेपर होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने की और, कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 मार्क्स की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। तो जो भी आप लोग आंसर करेंगे तो वो बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा फिर उसका रिजल्ट जो आएगा, तो रिज़ल्ट जो है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के साथ आएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जब अलग अलग कैटेगरी में मतलब जब काफ़ी सारे दिन पेपर कराया जाता है तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो पेपर का लेवल होता है कुछ में डिफ़िकल्ट होता है कुछ में ईजी होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सारी तरह के जितने भी टाइप में जितने भी कैटेगरी में पेपर कराया गया, मतलब कैटेगरी नहीं बेसिकली जितने भी स्टेप्स में, मतलब जैसे कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करने के बाद में कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, उस बेसिस पर जो पेपर है उसकी डिफ़िकल्टी क्या थी उस बेसिस पर एनालिसिस करने के बाद में कुछ नॉर्मलाइजेशन करा जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में यूजुअली जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका पेपर ईजी होता है उनके मार्क्स जो रहते हैं वो उनमें उतना इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है, इन कंपैरिजन जिनका पेपर टफ आया होता है, जिनका पेपर टफ आता है उनके मार्क्स में अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ये चीज़ होती है। अब नॉर्मलाइजेशन में कभी कभार क्या होता है कि जो मार्क्स होते हैं वो कम भी होते हैं, बट ये बहुत ही रेयर होता है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा बेसिकली उतने कैंडिडेट्स को होता है जिनकी पेपर जो रहता है, जिनकी शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आई होती है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो ये चीज़ हो गई आपकी नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेस पर फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स को रिलीज करा जाता है। इसके बाद में जिस भी पोस्ट में स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जैसे कि आप लोग क्वालिफाई करके हो फाइनल मेरिट में आ गए हो, उसके बाद में अगर स्किल टेस्ट जहाँ जिस भी पोस्ट में रिक्वायरमेंट है, डेटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो गया, तो वो सारा कुछ करवा लिया जाएगा एज़ पर दी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट में जो चीज़ डिमांड करी गई है उसके अकॉर्डिंग उसको करवाया जाएगा। फिर आप लोग वो लोग जब क्लियर कर जाओगे देन आपका फर्दर उसका आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी आंसर की वगैरह है वो भी रिलीज़ करी जाती है, तो आप लोग आंसर की से ये भी मैच कर सकते हो कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करे थे, कितने क्वेश्चन गलत करे थे। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक आपको लग रही है तो आप उस पर क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका पैटर्न होने वाला है, यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में एक मेरिट बनेगी, और फिर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है अगर उसमें डेटा एंट्री का कुछ डिमांड करी गई है तो वो आपका करवाया जाएगा, आपको वो भी क्लियर करना पड़ेगा। बट अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिर्फ आपको एक ही पेपर देना है और उसके बाद में आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बेस पर जो भी आपका सिलेक्शन होना है नहीं होना है वो उसी के बेस पर होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिर्फ एक ही पेपर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पर पूरा अलग अलग लिखा हुआ है। मैट्रिकुलेशन लेवल का अलग है, जो आपका हायर सेकेंडरी है उसमें थोड़ा सा अलग है, और जो आपका ग्रेजुएशन है वो थोड़ा सा अलग है। बेसिकली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस डिफ़िकल्टी लेवल जो रहता है वो थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो सारा कुछ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है वहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या होना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लेंगे।
उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर पूरा वही लिखा हुआ है कि आपको एग्ज़ाम देना है, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, वो सारा कुछ एक बार यहाँ पर गो थ्रू हो जाइएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपको और मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही, कि जो लोग अलग अलग जैसे कि ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं मोर देन वन पोस्ट के लिए, तो आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है, बार बार आपको एग्ज़ाम में अपियर नहीं होना है। अगर बार बार होंगे तो उस कंडीशन में जो आपका कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कट ऑफ दिया गया है। बेसिकली ये वाली जो कट ऑफ रहती है इस पर आपको जाना नहीं होता, ये मिनिमम होता है, लेकिन जो मैक्सिमम कट ऑफ जाता है उसके बेस पर आपका डिपेंड करता है सिलेक्शन या रिजेक्शन। तो ये वाली कट ऑफ पर आपको ज़रा सा भी ध्यान नहीं देना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बता रखा है इन्होंने कि कितने कितने रेशियो में किस किस तरह से जो वैकेंसीज़ हैं उनके बेस पर जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन किस रेशियो में होगा, वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। बाकी अभी हम आगे चलते हैं, किस पे डिस्कशन करने का इतना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर सीधे हम आ जाते हैं जो हमारी वैकेंसीज़ हैं कि किस किस तरह से क्या क्या वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर जितना भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत मैंने बता दिया जो ज़रूरी था, बाकी आप लोग अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अब डायरेक्टली हम आते हैं जो वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, जहाँ पर अलग अलग रीजन में आपकी वैकेंसीज़ ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, नंबर ऑफ जो आपका पोस्ट का नंबर है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको उसको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में NWR में NW10923 ये आपकी है लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, जो आपकी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस में ही, मतलब सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब जो है उसके अंडर है, और ये मैट्रिकुलेशन लेवल की जॉब है, लेवल वन का यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। एज जो है आपकी 18 to 27 के बीच में होनी चाहिए, और एक वैकेंसी आपकी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका NW11023 ये आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी डिपार्टमेंट में है, CFSL में ही है, 18 to 30 ईयर्स का एज यहाँ पर मांगा गया है, पे स्केल लेवल 6 का रहने वाला है, और यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड एबव के लेवल की पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ये भी आपकी नंबर और जो पोस्ट का कोड है इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा आप देखते हुए चलेगा। ये भी आपकी CFSL में है, एज जो है आपके 18 to 30 है, लेवल 6 की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन एंड एबव। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, CFSL, बाकी सारा कुछ सेम है यहाँ पर भी। नेक्स्ट है 11323 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, ये भी आपकी सेम वही सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड है, तीन पोस्ट कोड यहाँ पर आपके ये वाले हो गए, और दो इससे पहले जो हमने बात करी थी वहाँ पर वो थे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, जो कि नॉर्दर्न रीजन में है, NR11323, ये जो है आपकी डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज में है, डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज डिपार्टमेंट में है, बाकी एज क्वालिफिकेशन 18 to 30, लेवल 6 की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन एंड अबव, नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वैकेंसी है आपकी जूनियर टेक्निकल ऑफिसर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, ये आपकी बाकी सारी चीज़ें वही हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है। अब जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है वहाँ पर ये वैकेंसी है, इसका पोस्ट कोड है NR21123। ठीक है, तो ये भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है वो भी आपकी यहाँ पर दी हुई हैं, आप लोग चाहें तो उसके लिए भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं जितनी भी फोरेंसिक वाली वैकेंसी है उन पर ही फोकस कर रही हूँ। अभी आगे चलते हैं। एक यहाँ पर वैकेंसी है आपकी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में, वैकेंसी का नाम है आपका टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन में, पोस्ट कोड आपका NR24023, और ये आपकी हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है, लेवल 5 का पे स्केल है, और एज क्वालिफिकेशन 18 to 25 मांगा गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर 1। उसके बाद है यहाँ पर सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, जो कि ईस्टर्न रीजन की वैकेंसीज पर अब हम आ चुके हैं। तो ईस्टर्न रीजन का यहाँ पर पोस्ट कोड है 11323, और लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, लेवल 1 का पे स्केल है, मैट्रिकुलेशन लेवल की है,
और 18 to 27 ईयर्स की डिमांड करी गई है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न रीजन 11423 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी और लेवल 6 18 to 30 एंड ग्रेजुएशन एंड अबव की पोस्ट है, यहाँ पर एक वैकेंसी है ओवरऑल। और इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो हम बात करें थे लैब अटेंडेंट की, वहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 6 1 2 3 1 इस तरह से। अभी यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपकी ये वैकेंसीज है CFSL में MPR रीजन में, तो इसका पोस्ट कोड है MP10823 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में, बाकी सारा चीज़ें वही हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न रीजन में WR11523, ये भी आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है CFSL पुणे, और यहाँ पर ये आपकी मैट्रिकुलेशन लेवल की है लेवल 1 का पे स्केल है और 18 to 27 ईयर्स की आपकी एज की क्वालिफिकेशन मांगी गई है और नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर 1। अब इसके बाद में आ जाते हैं सदर्न रीजन पे, तो सदर्न रीजन में जो आपकी वैकेंसी है SR12023 पोस्ट कोड है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एक्सप्लोसिव्स के लिए है, जो कि बाकी सारी चीज़ें सेम है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर है 1। और सदर्न रीजन 12123 लेबोरेटरी अटेंडेंट CFSL हैदराबाद, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है, ये आपकी लेवल 1 का पे स्केल है, 18 to 27 ईयर्स की डिमांड करी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर टोटल है 10। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी डिपार्टमेंट CFSL हैदराबाद में है और पोस्ट कोड है SR12923 ग्रेजुएशन एंड अबव की पोस्ट है, लेवल 6 का पे स्केल है, 18 to 30 ईयर्स की एज डिमांड करी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर 1। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका है यहाँ पर असिस्टेंट फोटोग्राफर की CFSL हैदराबाद में, पोस्ट कोड SR15023 मैट्रिकुलेशन लेवल की है, पे स्केल लेवल 2, 19 to 25 ईयर्स की एज की डिमांड करी गई है और एक वैकेंसी है यहाँ पर आपकी। और इसके बाद में नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में, टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका CFSL हैदराबाद में है, SR15123, बाकी ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पर पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। नेक्स्ट आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स की बात करें, इसका पोस्ट कोड SR15223, बाकी ग्रेजुएशन एंड अबव की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर 1। नेक्स्ट आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स SR15323 CFSL हैदराबाद, बाकी सारा कुछ सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारी कुछ वैकेंसीज हो गई एंड आई थिंक अब यहाँ पर सारी वैकेंसीज हो चुकी हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर जितनी भी तरह की वैकेंसीज हो सकती थी आपकी जो कि SSC सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू निकाली गई हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, किन किन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये तो जितनी भी वैकेंसीज हमने डिस्कस करी हैं आपके फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में है, उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो बाकी की वैकेंसीज़ के लिए भी एक बार देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो ओवरऑल निकाली गई हैं यहाँ पर वो हैं आपकी 5369, जो टोटल सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन के पोस्ट के जो जितने भी वैकेंसी हैं वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 5369। तो आप लोग चाहें तो बाकी की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए भी एक बार देख सकते हैं, और जितनी भी फोरेंसिक साइंस की वैकेंसीज हो सकती थी, क्या क्या पोस्ट कोड हो सकता था, क्या क्या आपका किस लेवल की पोस्ट है, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है इन पोस्ट के लिए, तो अप्लाई करने के लिए सिंपल सा है www.ssc.nic.in, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और यहाँ पर जाके आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप अप्लाई ना मतलब वहाँ पे आपको पहले लॉगिन करवाना है। लॉगिन करवाने के बाद में आपको उसमें जो ऐसे सिलेक्शन पोस्ट का एक आपको वहाँ पर पेज दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको वहाँ पर पूरा प्रोसीजर आपको खुद ही समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो नोटिफिकेशन है इसकी PDF ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, एक बार पिन कर दूंगी तो अगर आपको ढूंढने में कुछ इश्यू आ रहा है तो आपको बहुत आराम से वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया, उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर अब हो गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, बाकी वीडियो को एक रिक्वेस्ट रही कि सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी फोरेंसिक के कैंडिडेट्स हैं एटलीस्ट उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को समझ में आ सके कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए वो लोग अप्लाई कर सकें। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।